Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you. ये ग्रुप में डाल रहा सबको दिखाना, आप लोग नहीं आए. फोटो भेज लेना. क्राइम इंडिया. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आज मैं आपके साथ बहुत ही नॉर्मल सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ, अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, जो पहले भी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा लेमन वाटर के साथ ही होती है, लेकिन आजकल मैं लेमन वाटर की जगह पर प्लेन वाटर ले रही हूँ. प्लेन बट हॉट वाटर. गर्म पानी के 2 ग्लास पी लेने के 15 मिनट बाद मैं एक आंवला खाती हूँ. आंवला के बेनिफिट्स अगर आप गूगल करेंगे तो वो आपको अनलिमिटेड ही मिलेंगे. दूसरा, अगर हम विटामिन सी की बात करें तो जितना 20 लेमन्स में विटामिन सी होता है उतना एक आंवला में आपको मिलेगा. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंवला हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल. तो आजकल रोज़ मॉर्निंग में मैं एक आंवला छोटे छोटे पीसीस में काट लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर रॉक सॉल्ट स्प्रेड करती हूँ और आराम से 10 मिनट लगा के उसे इंजॉय करती हूँ. और उसके बाद एज यूजुअल स्टफी के साथ एक लॉन्ग वॉक जो ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स की होती है. मेरे लिए तो स्टफी के साथ ही एक नॉर्मल वॉक है, लेकिन स्टफी के लिए उसके पूरे दिन का एक बेस्ट टाइम होता है. बहुत एक्साइटेड होता है हर डॉग. आपके घर में भी पेट है तो आपको पता होगा कि आपका डॉग बाहर जाने के लिए कितना एक्साइटेड होता है. आ गया। और घर से बाहर निकलते ही मिल जाती है स्टफी की सेना. और ब्रूनो को सारी शरारतें स्टफी को देखने के बाद ही सूझती हैं, और जिसे देखकर स्टफी का भी रोड पे भागने का मन होता है. कौन है वहाँ पे? और स्टफी को बातों में उलझा के डेली उसकी ब्रशिंग करना भी मेरी रूटीन का ही एक पार्ट है. आई होप आप सब अपना वर्कआउट ठीक से कर रहे होंगे. पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी बिजी थी, इसलिए सिर्फ सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और 5-10 मिनट मेडिटेशन के अलावा और कोई भी एक्सरसाइज मैं कर नहीं पा रही थी. पिछले 2 दिनों से ही मैंने अपना वर्कआउट रीस्टार्ट किया है. वर्कआउट जिसे आप कह सकते हैं कि प्रॉपर वर्कआउट. अदरवाइज फंक्शंस और फेस्टिवल्स पे आप चाहते हुए भी अपनी ईटिंग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट आपको वेट गेन प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है. मैंने अपना वेट तो अभी मेजर नहीं किया, लेकिन मेरा स्टमक मुझे बता रहा है कि कहीं तो कुछ अपसेट चल रहा है. अपनी रूटीन में वापस आने का बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी ईटिंग आपके कंट्रोल में आ जाती है, और साथ ही कंट्रोल में आ जाता है आपका टाइम, वो टाइम जिसे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क एंड एवरीथिंग. और जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं उनकी ये जरूरत बन जाती है. मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि अगर कुछ दिनों तक मैं अपना प्रॉपर वर्कआउट फॉलो नहीं करती हूँ तो मेरी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है. अंदर से भी आप उतना अच्छा फील नहीं कर पाते हैं जितना आप वर्कआउट करने के बाद फील करते हैं. चलो आओ अंदर, चलो जल्दी आओ. स्टेफू तू पूरा गंदा होके आ गया, तेरे नहलाऊंगी फिर मैं तेरे को, देखना. चलो आओ जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट चीजी खाएंगे. स्टेफू पनीर खाएंगे. कितना खेलेगा तू? बस हो चुका है मिक्स आंवले में नमक, इतना मिक्स करने की जरूरत नहीं है. अब खा भी ले. टेस्टी है ना? खा ले, बहुत अच्छा होता है. तेरे स्किन भी अच्छी हो जाएगी, हेयर भी अच्छे हो जाएंगे, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा. अच्छा हल्का सा गेट अगर ओपन रह जाए तो स्टफी महाशय बाहर, और फिर चाहे आप कितना भी बुलाएं, कितना भी लालच दें, वो अपना कोटा पूरा करके ही मिट्टी में अच्छे से खेल के वापिस आता है, और मेरे लिए उसकी सफाई करने का एक काम और बढ़ जाता है. गंदा बच्चा, गंदा बेबी. आज सुबह ही मम्मा ने अपना सूट काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि सुबह कटिंग हो जाए तो शाम तक स्टिचिंग पूरी हो जाती है. तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपने नॉर्मल सूट्स मम्मा खुद बना लेते हैं, सिर्फ हैवी सूट्स को ही मम्मा टेलर से स्टिच करवाते हैं. ब्रेकफास्ट आजकल घर में सिर्फ 2-3 लोग ही करते हैं, तो जो कहता है उसके लिए ब्रेकफास्ट बन जाता है. अदरवाइज मैं अपना क्लीनिंग पार्ट कंप्लीट करके सीधा लंच ही बनाती हूँ.
क्या हुआ है ऐसा ढीला ढीला क्यों है? पेट दुख रहा है। आज तेरे लिए खिचड़ी बनाऊंगी मैं, खिचड़ी खाना है क्योंकि इसका डाइजेशन जो है खराब हो रहा है। कल तक मेरे को ड्राई किया था पता, जब आप ब्रश करने आ गए मेरे कमरे में रात को। रात को कितने, 4 बजे आए थे आप? रात नहीं होती, 4 बजे सुबह होती है वो। जो बंदा सो रहा होता है उसका रात ही होती है। हाँ सही है। तो रात मतलब 4 बजे मैं सो रहा हूँ, कोई ब्रश कर रहा है मेरे बाथरूम में। ये क्या चल रहा है मेरे कमरे? हमारे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था। कैसा लग रहा है सर आपको सफाई करते हुए? अपने घर में सफाई करना कोई बुरा थोड़ा है। मैंने तो बोला ही नहीं कि अपने घर में सफाई करना बुरा होता है, बल्कि अच्छा होता है। अपना घर जब हम खुद साफ करते हैं तो पता होता है कि गंदगी कहाँ है। वो अच्छी होती है, चाहे अपने घर में हो चाहे कहीं और। मैंने क्लीनिंग पार्ट में डिसाइडेड पार्ट्स की क्लीनिंग के साथ साथ स्टफी का बेड क्लीन करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये चीज पेट ऑनर्स को डेली बेसिस पे करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पेट होते हुए भी आपका घर बहुत ही क्लीन और हाइजीन रहे, कुछ चीजों का आपको खास ख्याल रखना ही होगा, अदरवाइज आपको अपने घर में बैड ऑर्डर फेस करना पड़ेगा। स्टफी के बेड को मैं डेली झाड़ के उसको धूप लगवा देती हूँ और उसके बाद ही वापस रूम में लेके जाती हूँ। कुछ लोग मुझे डॉग केयर और डॉग ट्रेनिंग पे वीडियो बनाने के लिए भी कहते हैं, लेकिन ना तो मैं कोई वेटरिनेरियन हूँ और ना ही कोई डॉग ट्रेनर। टफी के लिए जो कुछ भी मैंने सर्च करके सीखा है उसके रिलेटेड 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई विल सी अगर डॉग केयर के ऊपर 1 वीडियो में और बना सकूँ तो। आजकल विंटर्स हैं तो कई बार उसे धूप में बैठना होता है, तो एक बेड में उसका धूप में भी लगा देती हूँ। लंच टाइम में आज बना रही हूँ मैं साग और मक्की की रोटी। नॉर्थ इंडिया में विंटर्स का बेस्ट मील है ये, और खासकर पंजाब में तो बहुत फेमस है साग मक्की की रोटी साथ में लस्सी का गिलास। तो विंटर्स में जिस दिन भी मुझे साग बनाना होता है उससे एक रात पहले मैं उसे प्रिपेयर करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे गंदलों वाला साग जिसे हम कहते हैं, जो कि सबसे टेस्टी बनता है, उसे धो के अच्छे से सुखा के और उसके बाद उसकी कटिंग शुरू होती है। साग और सोए मैं मार्केट से लेके आई थी, और पालक और मेथी हमारे किचन गार्डन से ही निकल गई थी। तो इन सब चीजों को अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए इनको दुपट्टे में बांध के रख दिया था। जैसे ही थोड़ा ड्राई हो गए उसके बाद इसको मैंने काटना शुरू किया और प्रेशर कुकर में 2 ग्लास पानी डाल के चढ़ा दिया। साग कोई 1 टाइम मील तो है नहीं, एक बार आप बनाते हैं तो कम से कम 2-3 बार उसे तड़का लगा के खाते हैं। हमारे घर में साग और मक्की की रोटी के सबसे ज्यादा शौकीन मैं और मम्मा ही हैं, और बच्चे तो सब बच्चों की तरह साग का नाम सुन के ही मुंह बनाते हैं। ये वीडियो एक रात पहले का है जब मैंने साग बॉईल होने के लिए रख दिया था, साथ ही उसमें डाला था थोड़ा सा नमक, बहुत सारा लहसुन अदरक और हरी मिर्च। तीनों चीजें ही साग में बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं, तो इन्हें डालने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। सब कुछ डाल देने के बाद प्रेशर कुकर बंद कर देना है, एक विसल आ जाए फ्लेम लो कर देंगे और फिर 1 से 1.5 घंटा इसे पकने देंगे। 1.5 घंटे के बाद साग अच्छे से पक चुका होगा और उसके बाद शुरू होता है प्रोसेस इसे घोटने का, जिसे आप मिक्सर ग्राइंडर हैंड ग्राइंडर किसी के साथ भी कर सकते हैं, चाहे तो इसी तरह का जो देसी घोटना होता है उससे भी आप इसे घोट सकते हैं। इस देसी घोटने से साग को मिक्स करने में आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इससे साग का टेक्सचर रियल रहता है। बस साग रेडी है, जितना पोषण चाहिए उतना निकालें, तड़का लगाएं और एंजॉय करें। सरसों के साग को हमेशा तड़का सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल में ही लगाया जाता है। तड़का लगाने के लिए मस्टर्ड ऑयल में थोड़े सी मेथी सीड्स डाले हैं, उसके बाद डाला थोड़ा सा जीरा, कुछ डाल देंगे उसमें गार्लिक यानी कि लहसुन प्याज डालेंगे और हल्का से इसे ब्राउन होने देंगे। मैं इधर साग को तड़का ही लगा रही थी कि मम्मा ने अपनी शर्ट भी स्टिच कर ली है, जिसे वो मुझे दिखाने आए हैं कि देखो फिटिंग ठीक है या नहीं। और उन्हें ये दिखाने की बिल्कुल कभी जरूरत नहीं होती क्योंकि उनकी फिटिंग एक ही बार में बिल्कुल सही आती है। और इधर साग के लिए तड़का भी रेडी हो गया है, थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। अब डाल देंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली साग और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। बिना व्हाइट बटर के साग का कुछ मजा नहीं, कुछ लोग देसी घी डाल के भी साग एंजॉय करते हैं, अपना अपना टेस्ट है, लेकिन यहाँ मैं स्पेशली साग के लिए व्हाइट बटर बना रही हूँ। बीच बीच में साग को भी चलाते रहना है ताकि वो जल ना जाए, और दूसरी तरफ बना लूंगी मैं मक्की की रोटियाँ। और जब तक मक्की की रोटियाँ रेडी होंगी तब तक लो फ्लेम पे साग भी पकता रहेगा, और जितना ज़्यादा साग पकता है उतना ही उसका टेस्ट और अच्छा आता है। मक्की की रोटी बनाने का भी सबका तरीका अलग अलग है, कुछ लोग हाथ पे ही इतनी अच्छी गोल रोटी बना लेते हैं और वो भी बिना ब्रेक किए हुए, लेकिन मैं मक्की की रोटी शुरू से ही चकले पे बनाती हूँ और मुझे वही बनाना सबसे ईजी लगता है।
गर्मा गर्म मक्की की रोटी को लगाते हैं थोड़ा थोड़ा देसी घी और उसके बाद रेडी कर लेते हैं आज की स्पेशल प्लेट। साग विद वाइट बटर, थोड़ी सी मूली, मक्की की रोटी, लस्सी का गिलास और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च आप इंजॉय कर सकते हैं। धूप में खाना खाएंगे, चलो जल्दी आओ, धूप में खाना खाएंगे। वो भी खाएगा साग मक्की की रोटी। मम्मा नीचे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं खाना, साग और मक्की की रोटी भी देसी, मम्मा का खाने का स्टाइल भी देसी। विंटर्स में तो लंच करने का मजा धूप में ही आता है। डिलीशियस लंच विद फ्री ऑफ कॉस्ट विटामिन डी। सबसे ज्यादा धूप अवेलेबल है हमारे कंट्री में, फिर भी सबसे ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी के पेशेंट्स इंडिया में ही मिलेंगे। बहुत दुख की बात है कि हम फ्री में मिल रहे विटामिन डी को छोड़कर विटामिन डी की टैबलेट्स या पाउचेस परचेज करके खाना पसंद करते हैं। कम से कम 2 घंटे की धूप विंटर्स में और 15 से 20 मिनट की धूप समर्स में जरूर लेनी चाहिए। और ये मेरी प्लेट की लास्ट बाइट स्टफी के लिए। स्टफी ने बहुत मजे से खाई है मक्की की रोटी और साथ में लस्सी भी। साग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिया है क्योंकि स्पाइसी होता है, स्पाइसी खाना डॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता है। और खाना खाने के बाद चल रही है धूप में बैठ के थोड़ी सी गपशप। खाना खाने के बाद मैं तो 2-3 घंटे फिर धूप में ही बैठती हूँ। धूप में बैठना हमारी सेहत के लिए सब तरह से अच्छा है, लेकिन सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज विंटर्स खत्म होते होते आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के शेड में कितना डिफरेंस आ गया है। सनस्क्रीन आप कोई भी लगाते हो लेकिन 30 SPF से नीचे नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैं भी लैक्मी और VLCC का सनस्क्रीन ही यूज कर रही थी, लेकिन आजकल मैं यूज कर रही हूँ वाओ का सनस्क्रीन स्प्रे। एंड येस, दिस वीडियो इज कोलैबोरेशन विद वाओ स्किन साइंस सनस्क्रीन स्प्रे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सनस्क्रीन सिर्फ समर्स में ही यूज होता है, जबकि विंटर्स में भी सनस्क्रीन की उतनी ही जरूरत होती है जितनी की समर। अगर वाओ के इस सनस्क्रीन स्प्रे की बात करूं तो एक ऐसा स्प्रे है जो आपको UVA और UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है। कैरेट सीड्स, रेसबेरी एक्सट्रैक्ट एंड आलमंड ऑयल से तैयार हुआ यह सनस्क्रीन आपकी स्किन स्टिकी नहीं होने देता। इसमें यूज किए गए सारे इंग्रेडिएंट्स रिच ऑफ विटामिन A, C and E UV रेज से डैमेज स्किन को प्रिवेंट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉन ऑयली, नॉन स्टिकी एंड नॉन पैची सनस्क्रीन वाटर स्प्रे है जो इवनली स्किन पे स्प्रेड होने के बाद इमीडिएटली ड्राई हो जाता है और पोल्यूशन और सन के एंटी एक ट्रांसपेरेंसी शील्ड बना लेता है। ये सनस्क्रीन डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, बेसिकली प्लांट बेस्ड है, तो किसी तरह के हार्मफुल केमिकल का यूज इसमें नहीं किया गया है। बट इस नेचुरल प्रोडक्ट को हर स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक वाटरी स्प्रे है तो इसका सोल्यूशन आपको नीचे बॉटल में नजर आएगा, तो इसे यूज करने से पहले बहुत अच्छे से इसको शेक करना जरूरी है। इसके बाद अपने फेस से थोड़ा सा दूर रखते हुए इसको फेस के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, नेक पे स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने किसी भी ओपन बॉडी पार्ट पे स्प्रे करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। इनके हर प्रोडक्ट पे एक QR कोड होता है जिसपे स्कैन करके आप इनके ऐप पे जाके इनकी ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं। यू कैन ट्राई दिस वंडरफुल प्रोडक्ट। इसे बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं जैस्मिन की बुक्स लेने। हम 3 लोग जाएंगे जैस्मिन के लिए बुक्स लेने, उसकी भी बहुत भारी किताबें हैं कि बहुत ही नहीं जाएंगे एक से, क्योंकि बुक्स इतनी ज्यादा हैवी है कि एक बंदा उठा नहीं पाएगा, इसलिए हम 3 लोग जा रहे हैं जैस्मिन की बुक्स लेने। ये ना कपड़े ढंग के नहीं पहन रहा और तभी ये बीमार हो रहा है। जैकेट वगैरह पहन लेना कोई, हम आ रहे हैं ठीक है, आधे घंटे में आ जाएंगे। ओके चलो। कुछ भी कहें, कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि घर में वो डिसिप्लिन नहीं बन पाता जो स्कूल और कॉलेजेस में होता है। पढ़ाई के अलावा बाकी सभी फॉर्मेलिटीज की जा रही हैं। जैस्मिन का भी नया सेमेस्टर शुरू हो चुका है, तो पुराने सेमेस्टर की बुक्स वो यहाँ पे देके नए सेमेस्टर की बुक्स परचेज करने आई है। शादी से आने के बाद भी अभी तक हमारा नाचने का जुनून जो है वो उतरा नहीं है, उतरने वाला था, लेकिन अब फिर से जुनून आने की तैयारी हो चुकी है। कैसे वो हम आपको बताते हैं घर चल के, है ना जैस्मिन? यस। ज्यादा हैवी तो नहीं जैस्मिन? मैं उठा दूं, हेल्प करूं? नहीं। ये लाइट्स क्यों नहीं ऑन की हुई है, अंधेरा क्यों है? ਕਿ ਹੋਏ ਨਾ ਲੜ ਲੜ ਦਾ ਨਾਮੇ।
अलेक्सा स्टॉप। उधर कितना टाइम लगेगा नहाने में? आधा घंटा। जल्दी आओ, खाना रेडी है। अलेक्सा रिज्यूम। अभी हमें अपनी रूटीन में वापस आए, थोड़ा ही टाइम हुआ है और हमारी रीपैकिंग शुरू हो गई है। अभी मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने फुल वेडिंग एंजॉय की है भानु की, जो कि लुधियाना में हुई, और हमारे चैनल पे भी आपने एंजॉय की है। कई लोगों ने बोला कि बेटर बनी है एक्चुअली हमारे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं जाके। तो जैसा कि मैंने कहा कि शादी लुधियाना में हुई थी, लेकिन हमारी जड़ें हिमाचल में हैं, तो हिमाचल में भी एक फंक्शन बनता है, लेकिन वो फंक्शन इतनी जल्दी आ जाएगा ये मुझे पता नहीं था। इसलिए मैं और जैस्मिन जा रहे हैं वन डे ट्रिप पे फंक्शन अटेंड करने के लिए। व्लॉग में बनाऊंगी या नहीं वो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं फंक्शन एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। व्लॉग डिपेंड करता है मेरे मूड पे, और साथ ही डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पे। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स की अगर आप हिमाचल का व्लॉग देखना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल के व्लॉग की बात ही कुछ और होती है। हमारे चैनल पे तो आ ही जाएगा, अगर इधर नहीं भी आया तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ब्लूपर लाइफ। ब्लूपर लाइफ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर पैकिंग करते हैं और निकलते हैं कल। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।